फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं सुबह बनाया बॉयल करके मैंने आलू रखे हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और जोहान अरमान आज रोज़ा नहीं, तो उनके लिए मैंने बर्गर बनाया है। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके रख लिए, अब जब भी उनको भूख लगेगी तो मैं बर्गर या सैंडविच बनाकर उनको दे दूँगी, तो वो आराम से खा लेंगे। बाकी लोग रोज़ा हैं और यहाँ पर सारे रूम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है डस्टिंग के लिए, तो उसके बाद मैं डस्टिंग कर लूँगी। और ये टोपी ओपी इन लोग की रखी, तो इनको भी सब सेट करके सही से रख। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज मैं जा रही हूँ एक प्लांट लगाने के लिए। एक मेरा बाउल है ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो मैंने सोचा लाओ इसमें लगाऊँ, और लगाने जा रही हूँ प्लांट। तो चलते हैं लगाते हैं। ये रखी है मेरे पास एक गमले मिट्टी, इसमें खाद वाद सब पड़ी हुई, तो इसी को ज़रा सा पानी डाल के खोद लें, सूख गई है, तो इसमें करके फिर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीचे की पत्तियाँ हैं ना, इनको निकाल लीजिए। पत्ती कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं जानी चाहिए, जिस नहीं तो पेड़ अंदर से ख़राब हो जाते हैं, लगते नहीं। बस इसको ऐसे करके इसमें ऐसे लगा दो। फ्रेंड्स, ये मेरा बाउल जो बिल्कुल वेस्ट हो गया था, ख़राब हो गया था, इसको मैंने सही से यूज़ कर लिया और इसमें मैंने जेट प्लांट लगा लिया। अब ये जब इसमें से सही से ग्रो करेगा तो ये प्लांट भी यूज़ हो जाएगा और ये बाउल बहुत प्यारा लगेगा। प्लांट बहुत खूबसूरत है, ये हैंगिंग प्लांट होता है दरअसल, ये बहुत नीचे लटकता हैंग करता है। तो देखिए, ये इसका मैंने कई इसके जो स्टैम्प है मैंने कई उसमें ट्रांसफ़र करी है, दो तीन इसमें हम मैंने इसका पॉट बनाया। बना रही है यहाँ पे नींबू का शरबत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कीमा और मटर बनने जा रहा है, मैं कीमा मटर आज बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रोज़न मटर रखे हुए थे, उसको निकाला, और यहाँ पे कीमा है, इसको सही से वॉश कर लिया, ठीक से इसको धो लिया, उसके बाद मैं आज कीमा मटर बनाऊँगी। तो एक तरफ कुकर में वो चढ़ा दिया, दूसरी तरफ अफ्तारी तैयार हो रही है। तो ये कीमा मटर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अरमान को थोड़ा सा कम पसंद है, तो कम बनता है, तो वो बीन्स और कीमा ज़्यादा खाता है। तो और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, प्याज फ्राई किया, उसके बाद कीमा फ्राई करके फिर सब तैयार करके उसके लास्ट में फिर मटर डालूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, रोज़ा वोज़ा हो गया था तो हम लोगों का टाइम हो रहा है ईद में भी, तो चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड्स जा रहे हैं और कुर्ते उड़ते देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ट्रेंड्स में,
और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे से कुर्ते थे, यहाँ पे फ्रॉक ज़्यादा थे कुर्ते कम थे, तो मैंने एक दो सिलेक्ट कर लिया था, ट्राई करके भी देखा, अच्छा लगा तो मैंने तो एक ले लिया, और मेरी देवरानी ने लिया तो उनको समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग वापस करने गए, और यहाँ पे वापसी फिर मैंने मैंगो जूस हम लोग ने पिया, बच्चे भी साथ में थे तो जिद करने लगे कुछ ठंडा पी रहा है, तो मैंगो जूस पिया, उसके बाद फिर घर आ गए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज जा रही हूँ ईद की शॉपिंग करने के लिए, चलिए वहीं मिलते हैं। कल मैं एक कुर्ता लेके आई थी, आपको वापसी में आके दिखाऊंगी, और थोड़े से कपड़े और लेने हैं मार्केट में। तो चलिए देखिए, ट्यूशन जा रहे हैं तो बॉडी स्प्रे करके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पसीने कैसी महक आ रही है, तो इनको आजकल स्प्रे करने का बहुत शौक हो रहा है। बस करो, बहुत ठंडा है, ये देखिए पूरे में कैसे लगा रहे हैं, बस बस। तो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे हो गया और आज मैं फिर ट्रेंड्स आई हूँ, कुछ कपड़े रह गए थे तो वो लेने आई हूँ, तो आज कुर्ते रहे बहुत अच्छे अच्छे से, वही कलेक्शन था, कल बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी तो कुछ कपड़े लिए, और आज भी लेना था, तो चलिए आज ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। लौकी को कोफ्ते, यहाँ पे लौकी ग्रेट करके रख लिया है, उसका इसको पसा लिया है, उसका पानी निकाल दिया है, अब उसके बाद इसको बेसन में बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मसाले के लिए दो प्याज रख ली हैं, थोड़ी सी अदरक लहसुन और धनिया, इनको सही से पीस लिया है, और इधर चढ़ा दिया कढ़ाई में बेसन, ये अच्छे से भून गया, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया धीमी आँच में, ठीक से रोस्ट हो जाता है, उसके बाद इसको बेसन में इनको इसमें लौकी में मिलाना है, सबसे पहले एक प्याज उसको अच्छे से मिक्स करना है, पीस करके इसमें मिला देने से अच्छा हो जाता है, जो कोफ्ते होते हैं ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तो एक पीसी प्याज इस लौकी में मिला देना है, और उसके बाद इधर मेरा बेसन जो है वो ठंडा हो रहा है, और जब ठंडा हो जाए तो इसमें मिक्स कर देना है, उससे पहले मुझे इसमें मिलाना है नमक मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक मिलाना है, फिर थोड़ा सा मिर्च एक चम्मच और गरम मसाला आधे चम्मच, इनको सही से मिक्स कर देना है, उसके बाद इसमें मुझे बेसन मिलाना है। जो मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से एक ये मैंने अपने लिए फ्रॉक खरीदी है, लॉन्ग फ्रॉक है, अनारकली है,
और ये सी ग्रीन है, ये इसका पैटेंट है, ट्रेंड से लेके आई थी। और एक ये है, ये और एक ये है, तो ये देखिए ये देवरानी ने लिया था, ये भी बहुत प्यारा सा है। और इसकी एक पैंट गोल्डन कलर की, तो आप लोग बताइएगा ये कौन, ये कैसे लग रहा है। और लेने जाना है तो एक दो दिन के अंदर वो लेंगे। अभी यही दो चीज़ समझ में आई थी, क्योंकि ट्रेंड्स में इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पे सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो यही दोनों लिया था। एक कुर्ता और लिया था, वो अभी टेलर किया है, तो यही दोनों चीज़ ली थी मैंने, कल गई थी और आज गई हूँ। तो अब आप लोग बताइए कैसे, जुहान नहीं करो जुहान, तो बस तो बताइएगा इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है। ये थोड़ा सा सिल्वर पे टच करता है और वो थोड़ा सा ग्रीनिश है, तो ये दोनों हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे मेरे ड्रेस, आई होप आप लोग को भी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन कौन से ड्रेस अच्छे हैं। और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं मार्केट, फिर वहाँ मिलते हैं।